प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें याद दिलाता है यूहन्ना का अध्याय 6 और वाक्य 41 में लिखा है, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। रोटी से कौन वाकिफ नहीं है? हर एक इंसान जो भूखा है, सबसे पहले उसकी निगाह जाती है रोटी पर। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बुनियादी जरूरत है। लेकिन हर किसी के नसीब में ये गवारा नहीं है सबको ये भारी मात्रा में मिले। न जाने कितने लोग इस दुनिया में आज रोटी के लिए तरसते हैं, कपड़े के लिए तड़पते हैं और एक आशिया पाने के लिए पड़पड़ाते हैं। लेकिन हर किसी के माथे पर ये नहीं लिखा है, ये तुम्हें मुफ्त में दिया जाएगा। खुश नसीब वो हैं जिनके पास ये सब कुछ है। और शायद हम ईसाई होने पर गर्व करते हैं, हमें वो स्वर्गीय रोटी मिली है जिनको हमारे पूर्वज खाने के लिए तरसते थे। लेकिन हम उसे प्राप्त करते हैं जो हमें अनंत जीवन देता है। क्या हम इस रोटी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, आतुर हैं? क्या हम इस पवित्र रोटी के लिए भूखे हैं? क्या हम उस पवित्र लहू पाने के लिए प्यासे हैं? जब तक हमारी ये भूख और ये प्यास नहीं उमड़ती, तो हम प्रभु को नहीं पहचान पाएंगे। पढ़िए आप संत मत्ती का अध्याय 14, लिखा है, ईसा ने लोगों को घास पर बिठा देने का आदेश देकर 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हुए, बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। इस वक्त हमें ख्याल आता है एक बिचारी माँ अपने गोद में मात्र 6 महीने का बच्चा लिए एक पुल पार कर रही थी और पुल इतना कमजोर था, अचानक वो पुल टूट गया और माँ अपने बच्चे के साथ पानी में बहते चली कहीं दूर मीलों तक। उसने सोचा, हिम्मत बांधी उस औरत ने, हम वो दूर के एक पत्थर पर जो नदी में है उस पर चढ़ जाएंगे और अपने बच्चे और खुद को बचाएंगे। उसने हिम्मत हारी नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, जान हथेली पर रखकर मुश्किल वक्त पर सारी ताकत बटोर कर वो उस पत्थर पर चढ़ गई। खुश थी वो कुछ समय के लिए। भूख और प्यास के मारे बिचारी माँ तड़प रही थी, वो बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थी और जोर से उसने अपने उंगली को पटक दी उस पत्थर पर और उंगली से खून टपकने लगा। बुरी हालत पर उसने अपनी उंगली बच्चे के मुंह में डाल दी। बच्चा खून चूसता रहा और बेचारी माँ की हालत पल पल पर बिगड़ते जा रही थी और आखिरकार बच्चा बच गया, लेकिन माँ का देहांत हुआ। संत थॉमस अक्वाइनस कहते हैं, परम प्रसाद प्यार का प्रतीक है जो प्रभु यीशु ने स्थापना की। पादरे पियो कहते हैं, 1000 साल भी परम प्रसाद के सामने एक पल के बराबर नहीं है। सेंट जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, प्रभु यीशु अपने आप को तुम्हें समर्पित करते हैं
ताकि तुम उसे परम भोजन के समान स्वीकार करो। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे कहते हैं, खुद हमारे बीच इस पवित्र वेदी में हमारे लिए वो हर वक्त मौजूद हैं। कोलकाता की संत मदर त्रीजा कहते हैं, अगर प्रभु में जीवन पाना चाहते हो तो तुम आओ परम प्रसाद की आराधना करो। संत पवस्तीना कहती हैं, जो हिम्मत और ताकत मुझ में है वो मेरी नहीं बल्कि ये परम प्रसाद की ताकत है, जो परम प्रसाद हमारे लिए नया जीवन देता है। परम प्रसाद हमारे लिए एक भाईचारे का सलूक है। भूखे के लिए परम प्रसाद सांत्वना देता है। परम प्रसाद सबसे बड़ा संस्कार है। परम प्रसाद हमारे खुदा से मेल मिलाप का रास्ता है। परम प्रसाद स्वर्गीय रोटी है। लिजियस की संत थेरेसा कहती है, परम प्रसाद में प्रभु तुम्हारे लिए इतना आतुर है कि वो हर पल तुम्हारे दिल में बसना चाहते हैं। संत योहन के अध्याय 6 वाक्य 35 में लिखा है, उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। अंत करना चाहूंगा मैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र संत पौलुस के नाम वाक्य 17 में लिखा है, रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। आमीन।